और बियरों ने पूरी लूट खुट मजाक रखी हुई है। तेल बेच रहे हैं, क्या बोलते हैं, सीमेंट बेच रहे हैं। और ये इनको जो क्रशर का माल डालने का मतलब पीछे से ऑर्डर होता है कि क्रशर का माल डालना है। इस वक्त जाओ जाके देखो, इससे पहले जिस तरीके से हिंदुस्तान हमारा गुलाम था, लेकिन आज अगर हम मोहर की बात करें तो मोहर उन्हीं गुलामियों के बीच है कि यहाँ पे ये नहीं है कि अफसर नहीं बैठते हैं, अफसरों के सामने ये हालत है। क्या अफसर यहाँ से नहीं क्रॉस होते हैं कि उनको नहीं पता लगता कि लोगों की कितनी मुश्किल है जी, हर मतलब कोई भी गलत काम नहीं होगा, तो फिर उसकी नजर में ये गलत काम कैसे बीआरओ कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना, ये बीआरओ काम करेगी जो भी करेगी। इनके डंगे पे पहले नंबर देख लीजिए, तलकटी मोड़ में जो डंगा लगाया था, इतना मतलब 8-10 करोड़ रुपया उस पर खर्च किया था। वो डंगा जब गिर गया उसके ऊपर इन मिट्टी में कश्मीर वालों लोगों को तंग करना जानते हैं। बाकी अपनी एजेंसी कोई अगर इनकी है दिल्ली की, इधर आके काम कर रही है, उनको नहीं ये पूछेंगे, क्योंकि हो सकता है इनको भी हिस्सा यहाँ पे इनको दांत भी लगाना चाहिए, क्योंकि अगर इनके पास कहीं पे पैसा कमी है, अगर गवर्नमेंट को कहीं कमी लग रही है, बीजेपी सरकार को कमी लग रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं, तो यहाँ पर अगर दांत लगा लेंगे तो इससे भी इनको इनकम बढ़ेगा। नाज़रीन, मैं बहारुद्दीन वानी और आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। हर वक्त मैं वक्तन बवक्तन आपके सामने दुख हो, गम हो, हर स्टोरी आपके सामने ले आता हूं, लेकिन आज जो है आज आपके सामने ऐसी खबर लेके आ रहा हूं कि आप भी ये देखकर हैरान रह जाएंगे। मैं इस वक्त जो है मोहर में मौजूद हूं और मोहर की सड़कें आप देख सकते हैं, यहां मोहर की सड़कों की इतनी बुरी हालात है कि यहां पर गाड़ियां चलना तो बहुत दूर की बात है, यहां पर लोग भी चल नहीं सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ से अगर बीजेपी गवर्नमेंट की बात करें, इस वक्त सरकार की बात करें, तो बड़े बड़े दावे करती है। अगर हम बात करेंगे मोहर की सड़कों की, तो मोहर की सड़कों की आप हालात देख सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे गंदा रोड है। वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से प्रॉपर्टी की बात करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो रही है, प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, और गैस की अगर हम बात करेंगे, गैस भी इतना महंगा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है वो इस पर ध्यान नहीं दे रही है। रियासी की इंतजामिया को यहाँ पर देखना चाहिए, तो आप बड़ी मेहरबानी करके इस धूल को हटाइए और यहाँ पर आप मोहर की सड़कों पर ध्यान दीजिए कि मोहर के लोगों के साथ कितनी नाइंसाफी की जाती है। अगर गवर्नमेंट के पास अभी भी कहीं से किसी तरीके का अगर कोई सरमाया नहीं है, तो मोहर उस गवर्नमेंट से इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी तरीके से कहीं से सरमाया नहीं हो रहा है, तो आप मोहर की सड़कों पर आकर दांत लगा दीजिए, आपको यहां से जो सरमाया है वो आपको भरपूर हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं। लोगों से भी बात करेंगे कि लोग कितने परेशान है, यहां के एजेंट साहब जो गाड़ियों को यहां पर चलाते हैं उनको कितनी परेशानी आ रही है, ये भी देखने चाहिए। आप बताइए अपना नाम। नज़ीर अहमद मेरा नाम है जी। बताएं जिस तरीके से क्या क्या मुश्किलें यहाँ पे आती है। मुश्किलें इधर तो बेशुमार मुश्किलें हैं, इतनी मुश्किलें हैं आपको बता ही नहीं सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए आते हैं, वो कम से कम 1 किलोमीटर का ऊपर से सफर उस साइड से घूम के जा रहे हैं स्कूल में, इधर से क्रॉस ही नहीं हो सकते। आप खुद देख लो कि यहाँ पे क्रॉस होने की कोई है गुंजाइश है? यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं है क्रॉस होने की। और 20 साल हो गए बीआरओ को यहाँ पे रोड बनाते हुए, 70 किलोमीटर रोड टोटल बनी है, 88 किलोमीटर रोड टोटल है। कौन सी ये बीआरओ है मुझे इसकी समझ नहीं आती है कि जिसको 20-25 साल से ये रोड इतना सारा 88 किलोमीटर रोड नहीं बन रहा है, और गवर्नमेंट जो है आंखें बंद करके बैठी हुई है। गवर्नमेंट को बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान में रोड पक्के हो गए हैं, 4 लाइन बन गए, 6 लाइन बन गए हैं, मोहर में सिंगल लाइन नहीं बन रही है बीआरओ से। और ये कौन सी गवर्नमेंट है जिसको इतनी जानकारी नहीं है कि ये बीआरओ कर क्या रही है? और बीआरओ ने पूरी लूट खुट मजा के रखी हुई है, तेल बेच रहे हैं, क्या बोलते हैं, सीमेंट बेच रहे हैं। और ये इनको जो क्रशर का माल डालने का मतलब पीछे से ऑर्डर होता है कि क्रशर का माल डालना है, इस वक्त जाओ जाके देखो, प्लस नाले पे जाके इनकी मशीनें वो बजरी भर रही हैं, वो मिट्टी वाली बजरी भर रही हैं। आपको पता है वो पानी कौन सा पानी होता है? मिट्टी वाला पानी। और वो बजरी मिट्टी वाली बजरी भर के उसे वो डंगे लगा रही है। कोई गवर्नमेंट इस वक्त, गवर्नमेंट तो हर एक एक्शन करने के लिए तैयार होती है, बोलती है मोदी सरकार है जी, हर मतलब कोई भी गलत काम नहीं होगा, तो फिर उसकी नज़र में ये गलत काम कैसे बीआरओ कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना, ये बीआरओ सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कहीं ना कहीं मोहर के लोगों की मांग नहीं है, इसको पूछ मांग नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी है अगर, तो इसको कोई पूछ मांग नहीं है कि जो कुछ भी मर्जी अपनी से करती रहेगी, गंदा काम करेगी, जो भी करेगी। इनके डंगे पे पहले नंबर देख लीजिए, तलकटी मोड़ में जो डंगा लगाया था, इतना मतलब 8-10 करोड़ रुपया उस पर खर्च किया था। वो डंगा जब गिर गया उसके ऊपर इन्हें मिट्टी फेर दी, उसको ठीक नहीं किया इसने, मिट्टी फेर दी उनने, तो इनको पूछने के लिए कोई है ही नहीं है। खाली ये जम्मू कश्मीर वालों लोगों को तंग करना जानते हैं।
बाकी अपनी एजेंसी कोई अगर इनकी है दिल्ली की इधर आके काम कर रही है उनको नहीं ये पूछेंगे, क्योंकि हो सकता है इनको भी हिस्सा जाता होगा इधर से। मेरा कहना यही है कि इधर लोगों का जीना हराम है, इन लोगों का जीना हराम है। यहाँ आप खुद देख लीजिए, गाड़ी चलनी तो दूर, पैदल नहीं आदमी चल रहा है। बिल्कुल, तो क्या मांग करना चाहेंगे? मांग यही करना चाहेंगे, अगर आप बोल रहे हो कि बड़े बड़े दावे कर रहे हो कि हमारी सरकार ये कर रही है वो कर रही है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे इनको दांत भी लगाना चाहिए, क्योंकि अगर इनके पास कहीं पे पैसा कमी है, अगर गवर्नमेंट को कहीं कमी लग रही है, बीजेपी सरकार को कमी लग रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, तो यहाँ पर अगर दांत लगा लेंगे तो इससे भी इनको इनकम बढ़ेगी, इनकम आएगी, इनको पैसा मिलेगा। और बाकी ये सब डिवीजन हेडक्वार्टर है कि यहाँ पे ये नहीं है कि अफसर नहीं बैठते हैं, अफसरों के सामने ये हालत है। क्या अफसर यहाँ से नहीं क्रॉस होते हैं कि उनको नहीं पता लगता कि लोगों की कितनी मुश्किलें आते हैं? बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है कि कोई ना कोई एजेंसी आए यहाँ पे कार्रवाई करे और देखे ये BRO क्या कर रही है, कर क्या रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो मोहर है ये भी एक हिंदुस्तान का कोना है, ये भी एक हिंदुस्तान का टुकड़ा है, लेकिन जितने परेशान मोहर के लोग हैं शायद आज तक लोग नहीं बोल पाते थे, हम नहीं बोल पाते, लेकिन क्या करें, तंग आ गए हैं। इन लोगों ने इतना तंग किया, इतना मजबूर किया है कि यहाँ हमारी माएँ बहनें हमारे बच्चे इतने परेशान हैं यहाँ से चलने के लिए, लेकिन BRO को बिल्कुल नहीं दिख रहा है, यहाँ की इंतजामिया को बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि शायद उनके जो आँखें हैं वो बंद है। शायद लोगों का ये भी कहना है कि उनको पैसा जाता होगा, ऊपर पैसा जाता होगा, और इसकी वजह से यहाँ रोडों पे ध्यान नहीं देते हैं। मैं आज ये कह देना पर होता है कि यहाँ की इंतजामिया मिली हुई है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन मिली हुई है, जिसकी वजह से ग्रिप पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और लोग जो है वो बहुत ज्यादा हद से ज्यादा परेशान है। अगर इसकी बात आपको किसी लोग यहाँ पर परेशान है, ये मोहर का मोहर एक ऐसा इलाका है, अगर मैं बात करूं 1947 से पहले जिस तरीके से हिंदुस्तान हमारा गुलाम था, लेकिन आज अगर हम मोहर की बात करें तो मोहर उन्हीं गुलामियों के बीच में जी रहा है। फिलहाल इतना ही, मुझे और मेरे कैमरामैन मोहम्मद अशरफ को दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।